निकालना, और क्या अलग अलग पार्टियों को देंगे या एक ही को देंगे? और उसके बाद मध्य प्रदेश के बारे में टिप्पणी। जी जी धन्यवाद अमरीश जी। ऐसा हुआ है वैसे मध्य प्रदेश के इतिहास में कि जब लोगों को जल्दी जल्दी वोट करना पड़ा है विधानसभा और लोकसभा के लिए, तो अलग अलग वोट दिया है उन्होंने। और ये जब 98 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो आपको याद होगा कि 96, 97, 98 में बार बार मध्य अवधि चुनाव हो रहे थे, तो मैंने सुंदरलाल पटवा और दिग्विजय सिंह दोनों मेरे साथ लाइव में थे, तो मैंने उनसे यही बात कही थी कि दिग्विजय जी ये बात क्या है कि आप लोकल टूर्नामेंट तो जीत जाते हैं लेकिन नेशनल टूर्नामेंट हार जाते हैं, तो ये सवाल थोड़ा सा चुभने वाला था। क्या मैंने उसमें उनको कहा था कि क्या ये आलाकमान की कमजोरी मानी जाए कि आप नेशनल टूर्नामेंट हार जाते हैं, मतलब लोकसभा की सीटें हार जाते हैं लेकिन विधानसभा की सीटें जीत जाते हैं, दोबारा सरकार बनाते हैं। तो ऐसा हुआ है। और बेशक अब मतदाता कुछ चीजों में, तो मैं आप कह सकते हैं कि 2000 के बाद जब से संचार साधन नए आए हैं तो मतदाता समझदार है, काफी समझदार है। और यही कारण है कि जो सांप्रदायिक आधार पर विभाजन कई राज्यों में हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में, वैसा विभाजन मध्य प्रदेश में कम से कम मैं नहीं देखता। और उस विभाजन के बीज अगर हम देखें तो यहाँ बांझ हो जाएंगे, यहाँ बहुत उर्वर जमीन मध्य प्रदेश की नहीं है, बावजूद इसके कि ये आरएसएस का बड़ा मजबूत प्रभाव वाला इलाका है, नागपुर से लगा हुआ है, 4 घंटे पर नागपुर है यहाँ से। तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कोई इस तरह का फिलहाल बंटवारा है। हाँ, गांव में है जो सांप्रदायिक विभाजन है, कुछ महिलाओं के कुछ वर्ग हैं जहां पर इस तरह का विभाजन देखने को मिलता है, लेकिन जब आप समग्र रूप से देखेंगे तो मतदाता का मूड, आप मध्य प्रदेश के मतदाता का जो मूड पाएंगे वो बहुत सांप्रदायिक आधार पर नहीं सोचता। दूसरी बात जो मैं बात यही शुरू करता हूं कि जो सर्वे आया है कल जिसमें दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर बताई गई है, मैं उससे तो कम से कम सहमत नहीं हूं। और मैं कह सकता हूं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में, चूंकि यहां भी डबल इंजन की सरकार है, राज्य में, केंद्र में, दोनों जगह से, मतलब बैर मोल ना लेने के लिए चैनल ने एक संतुलन, मनोवैज्ञानिक राहत देने के लिए कांटे की टक्कर दिखाई है। मैदान में ऐसी स्थितियां बिल्कुल नहीं है। आज की तारीख में कह रहा हूं मैं बात, जबकि हम ये 28 जून की बात कर रहा हूं, आज की तारीख में कांग्रेस की स्थिति 19-20 की भी नहीं बल्कि 16 या 17 या 18 और 20 की है। तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती दिखाई दे रही है। अब क्यों पिछड़ती दिखाई दे रही है, उसके कारण अनेक हैं। केंद्र सरकार की जो अपनी विफलताएं हैं वो तो है, बेरोजगारी है, महंगाई है, डीजल पेट्रोल है। डीजल पेट्रोल की बात अभी कर रहे थे, सुनील जी ने भी बात कही। आप क्या बताइए, भारत का प्रधानमंत्री जो उसके पास सारे आंकड़े टिप्स पर होते हैं, वो 102 रुपए की पेट्रोल की वाले राज्य की चर्चा करता है, 104 रुपए वाले पेट्रोल वाले राज्य की चर्चा करता है, 105 रुपए लीटर वाले पेट्रोल के राज्य की चर्चा करता है, मध्य प्रदेश भूल जाता है जहां पर कि 108 रुपए का पेट्रोल चल रहा है। और क्या आप जानिए कि ये मध्य प्रदेश के लोग क्या नहीं समझते कि करीब करीब साल भर होने को आया, रूस आपको 25-30% डिस्काउंट पर कच्चा तेल दे रहा है और आप उस कच्चे तेल को रिफाइंड करके पाकिस्तान तक दे रहे हैं, पाकिस्तान से लेकर यूरोप के देशों को दे रहे हैं और कमाई जब जबरदस्त कर रहे हैं, लेकिन आप अपने राज्य में, अपनी पार्टी के द्वारा शासित राज्य में आप कीमतें कम नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से चूक हुई या जानबूझ के उन्होंने छोड़ा, ये बात लोगों के गले नहीं उतर रही। तीसरी बात यह है कि देखिए 15-20 साल हो गए और 15-20 साल काफी होते हैं एक लोकतंत्र में, अच्छे लोकतंत्र में, किसी पार्टी को अपने सपनों का राज्य गढ़ने के लिए। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि पहला कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान का बहुत थोड़ा था, दूसरे कार्यकाल में बेशक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और लोग दिग्विजय को भूलने लगे थे, लेकिन तीसरा और चौथा कार्यकाल फिर एक बार लोग
दिग्विजय को इस तरह से याद करते हैं कि उनका दूसरा कार्यकाल था मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे खराब माना जाता था, लेकिन अब शिवराज ने उसके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चौथा कार्यकाल तो शिवराज का अब तक का सबसे खराब कार्यकाल है। तो अब खराब कार्यकाल में कई सारे कारण है, खुला भ्रष्टाचार है, खुला भ्रष्टाचार है। छोटे से छोटे ठेके को देख लीजिए, बड़े से बड़े काम को देख लीजिए। बनती है सड़क, 4 महीने में टूट जाती है। पुल बनता है, कुछ दिनों में टूट जाता है। तो ये अब वो अगर उदाहरण गिनाने लग जाऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन मैं जल्दी जल्दी आता हूं उस बात पे। दूसरी चीज ये थी कि देखिए, चौथी बार के बाद पांचवी बार चेहरा लोग नहीं देख, भारतीय जनता पार्टी को लेके मैं कह सकता हूं कि लोगों के भीतर उतनी नाराजगी नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में है ही दो। तो अगर हम मान लेंगे एक नागनाथ एक सांपनाथ, तो दो में से चुनाव करना है तो एक का चुनाव करेंगे वो। तो भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक के नजरिए से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन शिवराज का चेहरा जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में इस समय मतदाता को स्वीकार नहीं है। चाहे वो मामा जी बन जाए, चाहे वो भांजे जी बन जाए, चाहे वो दामाद जी बन जाए, चाहे वो ससुर जी बन जाए, जो इंसान एक किसान पुत्र बन के मुख्यमंत्री बना हो, वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में नेहरू जी के नाम पर पार्क अगर है तो उसको हटा के अपने बेटे के नाम पर पार्क कर देगा, ये आप सोचिए कि ये सामंती सोच है या नहीं है। तो ऐसे एक ही उदाहरण मैं दे रहा हूं, बाकी भारतीय जनता पार्टी के बीच में शिवराज सिंह चौहान ने वो गत कर दी है कि देखिए, चंबल में जाते हैं, चंबल और ग्वालियर संभाग में जाते हैं तो प्रधानमंत्री की नाक के बाल नरेंद्र सिंह तोमर उनसे खफा है, नरोत्तम मिश्रा उनसे खफा है, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा उनसे खफा है, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे खफा है, मालवा आइए तो कैलाश विजयवर्गीय उनसे खफा है, प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता इस समय उम्र के हिसाब से रघुनंदन शर्मा उनसे खफा है, सत्यनारायण सत्तन उनसे खफा है, प्रभात झा उनसे खफा है। तो कौन ऐसा नेता है जो शिवराज से इन दिनों खफा नहीं है? रघुनंदन शर्मा ने तो ये बात कही कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रभारी हैं और पांचों प्रभारियों के बीच में मध्य प्रदेश की बीजेपी द्रौपदी बनी हुई है, जहां इतना खराब प्रदर्शन है और पांचों प्रभारी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो इतना डेडिकेटेड रघुनंदन शर्मा, मतलब हम लोग 40 साल से जानते हैं, एक बहुत ही निहायत ही शरीफ और कैलाश जोशी वाले परंपरा के नेता रहे हैं, उन्हें गुस्सा होते कम ही देखा है, लेकिन अगर वो ऐसी टिप्पणी करें तो बात समझ में आती है। और टिप्पणियां देखिए, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो तो बात समझ में आती है, या बीजेपी कांग्रेस को करे या कांग्रेस बीजेपी को करे। बीजेपी का एक विधायक कांग्रेस के बीजेपी के सांसद को, अपने ही इलाके के सांसद को कहता है ये राक्षस है और इस राक्षस के विनाश के लिए मैं काम कर रहा हूं, अपनी पार्टी के सांसद को। तो ये जो है, इसका मैं विनाश, इसको मैं घुसने नहीं दूंगा अपने इलाके में। तो जवाब में सांसद अगले दिन सदल बल पहुंच जाते हैं उसके इलाके में और कहते हैं कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो ये भाषा जो चल रही है, इसको आप क्या कहेंगे? शिवराज सिंह खुद प्रधानमंत्री के लिए बाढ़ कहते हैं, बाढ़। हमारे यहाँ बाढ़ विनाशकारी होती है, नेगेटिव नकारात्मक अर्थ में होती है। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मोदी जी की बाढ़ से बचने के लिए प्रतिपक्ष के सांप बिच्छू बंदर सब एक हो रहे हैं। अब बताइए, जो प्रधानमंत्री को बाढ़ कहे, विनाशकारी कहे, तो आप कैसे मानेंगे कि जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है? अगला पॉइंट जी, अगला पॉइंट क्या, अगर समय खत्म हो रहा तो मैं अगले राउंड में, नहीं नहीं, मैं अगले राउंड में मैं आता हूँ। दरअसल आपने शिवराज सिंह की बात कही, शिवराज सिंह ने इससे पहले एक और उदाहरण दिया था, मोदी जी की उम्र को याद दिला दिया था, कहा इस उम्र में भी मोदी जी इतना काम करते हैं, मतलब